अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आज ब्लॉगिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। अलग ही हमसे हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो आज का जो टॉपिक है ना वो ये है, मैं आपके साथ अपना ना वर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ यूट्यूब पे कि मेरे साथ क्या हुआ था। क्योंकि ना जब मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया ना तो मुझे तो पता नहीं था कॉपीराइट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो जैसे मैं लोगों को देखती थी वो वीडियोस में अपने सॉन्ग्स ऐड कर रहे हैं, तो मेरा भी दिल किया मैं भी करूं। तो मैंने अपने सिस्टर को फ़ोन किया कि मुझे फोन सॉन्ग्स ना डाउनलोड करके दो, तो उसमें म्यूजिक्स वगैरह मुझे डाउनलोड करके दे दिए। तो मैंने अपना यूज़ करना शुरू कर दिया। जस्ट स्टार्ट के 30 सेकेंड्स के 10 सेकेंड्स, कभी कभी 5 सेकेंड्स, इतने स्टार्टिंग में वो सॉन्ग्स आ रहे थे, अदरवाइज नहीं थे। बाकी तो वीडियो मेरी अपनी होती थी, तो मुझे पता नहीं था कि कॉपीराइट हो जाता है। तो आगे जाके मैं पता चला कि कॉपीराइट आता है। तब भी मुझे ऐसा लगा कि कॉपीराइट वो आता होगा कि जिसमें सॉन्ग्स में बकायदा लिरिक्स हों, तो मुझे लगा नहीं आएगा। और फिर मैंने मेल्स वगैरह चेक किए, कहते हैं मेल्स पे आता है ये वो, मुझे खैर पता नहीं था कि कहाँ पर पता चलेगा कॉपीराइट है या नहीं। तो फिर मैंने कहा कोई मेल नहीं आया तो मेरे पास वीडियो पर कोई कॉपीराइट होगा नहीं। और यकीन करें मेरी उन वीडियोज़ के ऊपर जिनमें मैंने सॉन्ग्स लगाए हुए थे उनमें बहुत अच्छे व्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ थे। और वॉच टाइम भी ऑब्वियसली व्यूज़ थे, तो वॉच टाइम भी मेरा काफ़ी बढ़ चुका था। और मैं बहुत खुश होती थी कि चलो सब्सक्राइबर नहीं भी आए तो वॉच टाइम तो एटलीस्ट मेरा हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, तो मुझे पता चला कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी किन वीडियोज़ पे कॉपीराइट है और किन वीडियोज़ पे नहीं है। तो मैंने क्या करा कि ना मैंने चेक किया, किस तरह चेक करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में समझा दूँगी। मैंने चेक किया तो मेरी 9 वीडियोज़ पर कॉपीराइट था और मैं सर पकड़ के बैठ गई। अब मैं क्या करूँ, और मैं डर गई। मैंने क्या करा, फ़ौरन से पूरी 9 की 9 वीडियोज़ डिलीट कर दी, फ़ौरन डिलीट कर दी। और फिर दोबारा मैंने चेक किया अपने कॉपीराइट, तो फिर उस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं था। मैं उन्होंने कहा चलो कॉपीराइट तो ख़त्म हुआ। फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ क्योंकि ऑब्वियसली हमें वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, मैंने बहुत मेहनत से वो वीडियोज़ बनाई हुई थी। और मुझे बहुत दुख भी हो गया, मैंने इतनी मेहनत से बनाई और डिलीट हो गई। फिर मुझे ये था कि चलो एटलीस्ट ना आइसक्रीम वाला आ गया कसम से। फिर मुझे ये था कि चलो एटलीस्ट मेरा वो तो हुआ, कॉपीराइट तो ख़त्म हुआ, तो फिर मैं इसलिए थोड़ा रिलैक्स हो गई। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे पता चला कि ना हम उन वीडियोस को ना एडिट करके, लाइक हम उन वीडियोस को डाउनलोड कर लें, उस पर उसके बाद यूट्यूब से डिलीट करके, तो उसे एडिट करके वो सॉन्ग वाला जो पार्ट है ना उसे रिमूव कर दें, तो उससे ये होगा कि हमारी वीडियो हम दोबारा पोस्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो ये उस टाइम पर नहीं पता था, तो मैंने अपनी वीडियोज़ डिलीट कर दी थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ये बात कि अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला हो जाए कि आपके पास कॉपीराइट आ रहा है, या मैं आपको सिखाऊंगी आगे कि किस तरह से अपना चेक करना है, तो आप अपनी वीडियोस में चेक करें। अगर आपके वीडियोस में भी इस तरह का कॉपीराइट आए कुछ आए तो फिर आप उसको डिलीट कर सकते हैं। बस यही टॉपिक था मेरा आज का। तबीयत जो है अभी बेहतर है, पहले से दिल नहीं कर रहा तो कुछ भी शूट करने का। खाना भी आज अम्मी ने बनाया, उसकी वीडियो भी आएगी इंशाल्लाह ताला आज रात के कल तक आ जाएगी। तो ये था कि मैं परेशान भी हो रही थी क्या करूँ, तो मैं सोचा आपके साथ ये वाली बात शेयर कर लेती हूँ अपनी मैं कि किस तरह मुझे कॉपीराइट का इशू हुआ। और जो लोग न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग न्यू यूट्यूबर हैं उनको भी इस बात से ना हेल्प मिल सकती है। जैसे मुझे नहीं पता था, हो सकता है किसी और को भी ना पता हो इस बात का, तो फिर उसके लिए तो एटलीस्ट हेल्प हो सकती है। तो इसलिए मैं ये वीडियो ना शूट कर रही हूँ। और किस तरीके बार बार ना नोटिफिकेशन आ रहा है, वाई फाई ऑन है ना, तो बाकी है कि वीडियो मैं एंड में डालूँगी तो आप देख लेना। तो बस सबसे पहले तो हम ओपन करेंगे क्रोम। ये देखें क्रोम ओपन किया हमने, क्रोम के बाद ऊपर जाके हमने सर्च बार में लिखना है यूट्यूब। मेरे पास ऑलरेडी यूट्यूब लिखा हुआ है तो मैं इसी को क्लिक करके ओपन कर लेती हूँ। देखें यूट्यूब खुल चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 डॉट जो है हमारे ऊपर इनको क्लिक करके और लास्ट में जहाँ पे भाई हमारा कर्सर नज़र आ रहा होगा आपको, इसको डेस्कटॉप साइड कर लेंगे जी। तो अभी इस तरह से आपकी वीडियो आएगी आपके सामने, जिस तरह के आप लैपटॉप में यूज़ करते हैं। और यहाँ से हमारा सारा काम स्टार्ट होता है, हमें जितना भी हमारे चैनल पे जितना भी सेटिंग करनी है ना, अगर हम मोबाइल से करें एंड्रॉइड से तो वो इसी तरह से होगी। तो जी सबसे पहले तो हम जाते हैं हमारे चैनल के लोगो पर। ये देखें राइट साइड पे आपको लोगो नज़र आ रहा है, हम इस पर ओके करेंगे, इससे हमारा चैनल ओपन होगा। हम यहाँ पर जाएंगे योर चैनल पर जी। तो चैनल जो है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम जाएंगे कस्टमाइज चैनल, यहाँ पर ना 2 हैं, एक कस्टमाइज चैनल है और एक मैनेज वीडियो। तो हम जाएंगे कस्टमाइज चैनल पे, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये है यूट्यूब स्टूडियो ओपन होगा। यहाँ से हम सारी वीडियोस हमारी एडिट कर सकते हैं, हमारे थंबनेल चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं हमारे जो हम यूट्यूब स्टूडियो पे ही करते हैं, तो यहाँ से बहुत सारे काम हमारे हो सकते हैं। तो हमने ओपन कर लिया यूट्यूब स्टूडियो। ये तो आप देखें लेफ़्ट साइड पर देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर आ रही है मेरी पिक्चर, यानी कि डीपी हमारे चैनल की,
उसके बाद फर्स्ट नहीं सेकंड वाले पे हम देखो मैं कर्सर लेके जाती हूँ, आपको शायद नज़र आएगा, ये सेकंड वाले पे हम करेंगे क्लिक, तो इससे आ जाएगा हमारे सामने कंटेंट, जितने भी हमारी वीडियोज़ होंगी वो सारे कंटेंट हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ से ही हमने करनी है हमारी वीडियोज़ फ़िल्टर। तो देखिए कंटेंट के बराबर में फ़िल्टर लिखा हुआ है, हम फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे और सामने बहुत सारे टाइटल्स आ गए, तो हम जाएंगे कॉपीराइट क्लेम्स पे जी। तो कॉपीराइट क्लेम्स पर हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर हमारे बहुत वो वीडियोज़ आ जाएंगे जहाँ पर हमें कॉपीराइट इश्यूज़ होंगे, पर यहाँ पे हमारी कोई वीडियो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने सारी वीडियो जो है कॉपीराइट वाली डिलीट कर दी है। अगर आपके पास होगी तो आपके सामने आएगी, अदरवाइज़ कोई वीडियो नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, वीडियो आपने देख ली है, आपको समझ आ गया होगा किस तरह से कॉपीराइट चेक करना है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, आपको मेरी वीडियो से कोई हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक किया करें प्लीज़। अगर कमेंट नहीं भी कर सकते हैं एटलीस्ट लाइक कर दिया करें, इससे पता चलता है एटलीस्ट कि आपने मेरी वीडियो देखी है जो हम इतनी मेहनत करते हैं बनाने में। तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दिया करें, और कुछ नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, बस एक लाइक कर दिया करें। चलें फिर आपसे मैं मिल दूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।